साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त कालू माली। आप जुड़े हो मेरे चैनल से। साथियों, ये तस्वीरें दिखा रहा हूं, जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर की तस्वीरें दिखा रहा हूं। आज से 10 माह पहले एक महिला के साथ लाल बाबा नाम का एक व्यक्ति साधु था, जो सिरोही आश्रम से आता है और एक महिला के साथ लगातार बलात्कार करता है। उसका मामला महिला थाने में दर्ज है, मगर अभी तक पुलिस द्वारा लाल बाबा को गिरफ्तार नहीं किया गया है। बाड़मेर पुलिस अधीक्षक दीपक भार्गव द्वारा उस लाल बाबा पर 25,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया है, मगर लाल बाबा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रजापत समाज ने आज बाड़मेर के जिला कलेक्टर लोक बंधु व पुलिस अधीक्षक दीपक भार्गव को ज्ञापन भी सौंपा है और प्रजापत समाज के जो वरिष्ठ लोग हैं उनसे इस मामले को लेकर बातचीत भी हुई है। उन्होंने क्या बताया है पूरा मामला, कौन है लाल बाबा, कहां का लाल बाबा है, लाल बाबा के 3 नाम बताए जा रहे हैं और पुलिस ने भी क्या कहा है, वो सुनिए प्रजापत समाज के वरिष्ठ लोगों से। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हो, आज किस काम आए हो? मेरा नाम हीरा राम है, बाड़मेर से आए है, प्रजापति युवा शक्ति संगठन के कार्यकर्ता है। यहाँ एक हमारे समाज की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, उस मामले में हम कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दे रहे हैं मुख्यमंत्री साहब के नाम। कौन है, कहाँ का है, कौन है करने वाला? मामला बाड़का का है और बलात्कार करने वाले का नाम लाल बाबा है, उसके और भी 2 नाम बताए जा रहे हैं। और वो उस लाल बाबा उनके परिवार का गुरु था, वहाँ आया जाया करता था और बच्ची के साथ जब बलात्कार हुआ उस समय वो नाबालिग थी और मामला 10 महीने पहले महिला थाने में दर्ज करवाया था, अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये बाबा कहाँ का रहने वाला है? बाबा सिरोही के किसी आश्रम का रहने वाला बताया जा रहा है। हाँ, तो पुलिस ने अभी तक क्या किया है? पुलिस कह रही है कि हम तलाश कर रहे हैं। हाँ। और 25,000 का उनके इनाम भी घोषित किया है। हाँ। और बाकी तो हमको कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा है धरातल पर। तो आपकी तो ये लगातार कार्रवाई चल रही है, पैदल जोधपुर भी गए थे आप? जोधपुर पैदल गए थे लेकिन बीच में रोक दिया गया। हाँ। और उस समय पीड़िता गर्भवती थी तो उसके उस समय बच्चा भी हो गया, बच्चा भी 2 महीने का है। हाँ। और जोधपुर में हमने DIG साहब को ज्ञापन दिया था, उस समय रैली निकाली थी, उससे पहले हमने कलेक्टर साहब को और वहाँ जोधपुर में भी DIG साहब को सूचना दी थी, लेकिन जब रैली निकाली उस समय सरदारपुरा थाने में हमारे विरुद्ध और समाज सेवियों के विरुद्ध चित्र लोगों पर मामला दर्ज कर दिया। हाँ। और हम यही चाह रहे हैं कि वो मामला, हमने सूचना देने के बावजूद रैली निकाली और मामला दर्ज किया, मुकदमा दर्ज किया है, तो हमको लग रहा है कि हमारे आंदोलन को दबाने की कोशिश की जा रही है। तो पुलिस क्या कह रही है इसको लेकर? पुलिस कह रही है कि आपने कोई सूचना नहीं दी और ऐसे ही आपने रैली निकाली। नहीं नहीं, अब लाल बाबा की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस क्या कह रही है? लाल बाबा की गिरफ्तारी को लेकर तो बस यही कह रही है, कई महीनों से हम संघर्ष कर रहे हैं तो एक ही जवाब मिल रहा है कि हम कोशिश कर रहे हैं, मिल नहीं रहा है। तो आज किसको ज्ञापन दे रहे हो? आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे रहे है। किसके नाम का है? मुख्यमंत्री के नाम का, राजस्थान सरकार। ठीक है, धन्यवाद। नाम क्या है आपका? मेरा नाम हीरा राम, बाड़मेर का रहने वाला। ठीक है।